मैं तारिक मरगूब, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे हाउ टू ऐड वैल्यू टू आवर लाइफ। देखिए, हम जब भी पैदा हुए हैं इस दुनिया में, चाहे कोई भी अपने आप को कितना छोटा है, इनसिग्निफिकेंट समझता हो, पर उसका इम्पैक्ट दुनिया में पड़ता ही पड़ता है। चाहे घर में, घर से लेकर घर में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, कंट्री में, उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। अब वो इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा और हम जिंदगी को कैसे जिएंगे और जिससे हम बहुत दिल से खुशी महसूस करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक रियल टीचर, एक अमेरिका की, उसका नाम मिसेस जेन थॉम्सन, वो अपनी बायोग्राफी में बोलती हैं कि वो जब एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में टीचर थी, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के जब वो नया सेशन शुरू हुआ, वो उसमें चली गई, क्लास में आती रही, तो मैंने देखा ये बच्चा, इसका नाम, उसको सब टेडी टेडी कहते थे, और ये टेडी स्टोडॉन करके इसका नाम था, स्टोडॉन, तो उसको टेडी टेडी करके सारे पुकारते थे और सब हंसते रहते थे। और इवन टीचर कहते हैं, मैं भी उसको बनाते थे, क्योंकि वो कभी होमवर्क करके नहीं आता था, तो रोज डांट पड़ना दूर ऐसे करके वो चुप करके रहता था और बहुत गुमसुम सा रहता था, बात नहीं करना, चुप करके, अकेले से, किसी कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। तो कहती है, जब हमारा, जब दो तीन महीने बाद जब पहला हमारा यूनिट टेस्ट होता है, तो हमारे पास स्कूल का नियम था कि उसके बाद आप इनका रिकॉर्ड देखो, चेक करो, पुराना वाला रिकॉर्ड चेक करो, जब से इसने एडमिशन लिया है इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। और ये कहता था, तो कहते हैं कि मैंने जब इसका फर्स्ट क्लास में जब इसका एडमिशन था, तो मैंने वो पढ़ा रिपोर्ट, तो मैंने कहा कि वहाँ उसकी जो फॉर्म टीचर रही होगी, जो एंड पे जब रिजल्ट बना था उसका, तो उसने लिखा था ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बहुत हंसता खिलता रहता है, हर सवाल का विटेड है, सब काम कर लेता है, यही मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें है, और ये बहुत सबसे चेहता बच्चा है। तो कहते हैं सेकंड क्लास में भी मैंने जब उसके टीचर का देखा एंड रिजल्ट पे रिमार्क्स के देखे, उसने लिखा था एक्सेलेंट बच्चा है ये, सबसे अच्छा टॉपर है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेता है, खेलकूद में भी ये राउंडेड बच्चा है, हर चीज़ में नंबर वन है ये। फिर मैंने थर्ड क्लास का इसका देखा, तो कहा कि मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि जब उसकी टीचर ने उसने लिखा था ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी मदर के जो लॉस है, ये जो इसकी मदर गुजर गई, तो ये उससे कोप अप नहीं कर पाता है, तो ये बहुत उसी में खोया रहता है, अब ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई की तरफ। और कहते कि फोर्थ वाले के जो टीचर का, ये तो फिफ्थ में प्रॉब्लम, कहते पिछले साल की टीचर ने इसको लिखा था कि इस बच्चे को अगर सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, पापा भी इसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा इसमें, कर रहा, अगर इसको सपोर्ट नहीं मिली घर से तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा और ये बच्चा कुछ नहीं करेगा। तो कहते कि मुझे थोड़ा एहसास हुआ, तो फिर मैं उस बच्चे के साथ गई, तो फिर इसने थोड़ा अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम चेंज किया, तो ये क्या करती थी, फिर उसके बाद जब उसका वो जीरो पीरियड होता था, उसी में उसको होमवर्क कराती रहती थी। तो कहती कि जब वो साल गुजर गया, तो उसके वो ब्रिलियंट बच्चा आ गया, वो पहले टॉप 10 बच्चों में आ गया, तो उसके बाद वो कहती है कि जब भी मुझे स्कूल में दिखता था तो मैं उसको गले बड़े लिख जाता, तो इन द मीन टाइम वो कहती है कि जब 3-4-5 महीने बाद क्या हुआ, कहती है कि जब मैंने ये किया था, तो अब वो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के एग्जाम थे, तो उससे पहले कहा टीचर ने कि मेरा बर्थडे था, तो उस बर्थडे के लिए कहते कि सबने मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, इसने कागज में मरोड़ मरोड़ के लाया था, इतनी सी एक शीशी लाई थी उनकी, और वो परफ्यूम भी बहुत पुरानी थी, इतनी सी उसमें कुछ ड्रॉप्स ही बचे होंगे, मतलब आधी से क्वार्टर उसमें रखे थे, और एक ब्रेसलेट लाया था वो भी टूटा फूटा, उसमें वो नाग वग निकल गए थे। तो उसने कहा कि मैंने उसको इंकरेज करने के लिए उसी के सामने बैठ कहा कितना खूबसूरत है ये, और कहा कि मैंने सबके सारे बच्चे देख रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसके लिए गिफ्ट लाई थी। तो उसने कहा कि मैंने ये वाला परफ्यूम थोड़ा स्प्रे किया। तो कहते जब शाम को छुट्टी हो रही थी, तो बच्चा मेरे पास आया, कहा मम्मा या मैम, मैम आप आज बिल्कुल स्मेल कर रही हैं मेरी मम्मी जैसे। तो कहती है मैं आई वाज जस्ट आई फेल्ट क्राइंग। तो उसके बाद वो कहती है कि वो ठीक है, उसने वो एक साल के बाद वो मिलता रहा, कहती है कि फिर हर साल वो मुझे लिखता था एक चिट्ठी कि मैम यू आर माय फेवरेट टीचर। फिर उसके बाद एक बार उसके पास लेटर आ जाती है कि मैम मैंने पहले लेटर आपको भेजी कि अब मेरा नाम थोड़ा बड़ा हो गया है, अब मेरा नाम उसका थियोरोड एफ स्टोडॉन MD अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। तो उसने कहा कि मैं स्टिल यू आर माई फेवरेट टीचर। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर कुछ महीने के बाद उसको एक और लेटर आ गई, और उस लेटर में उसने लिखा था कि मैं आपको नंबर वन मानता हूँ लाइफ में, क्योंकि मेरे पापा भी अब नहीं रहे और मेरी शादी हो रही है, और हमारे में ये है कि ग्रूम के साइड में मदर बैठती हैं, तो क्या आप वो रोल प्ले करेंगी, मेरे पास आएंगी। तो शिखे करके मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी। वो गई, उसने वही चूड़ी पहनी और वही वो लेके गई।
तो उसने कहा यू हैव चेंज माई लाइफ। ऐसे हम किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और ये स्टोरी जब मैं इसकी बता रहा था कि एक जगह वो हमारी चल रही थी, गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक टीचर बैठी हुई थी, सकीना जी, वो रो रही थी, उनको आई सॉ टीयर्स इन हर आई। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, तो उसने कहा सर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पटन एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, कहा कि मैं वहाँ पे थी, एक बच्चा वहाँ पे, क्या गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है एकोमोडेशन की थोड़ी कमी रहती है, तो उसने कहा एक हॉल था लंबा सा, उसमें दो क्लासेस चलती थी साइमल्टेनियसली, उस साइड पे टीचर बोर्ड लगा के सेवन्थ का पढ़ाती थी, मैं सिक्स का पढ़ाती थी। तो कहा एक बच्चा था, उसने क्या किया, वो भी पहले ठीक था, थोड़ी देर में उसने कॉपी वापी लाना होमवर्क करके आता था, कपड़े वपड़े भी ऐसे वैसे करके आता था वो ये। तो कहा कि उसके बाद मैंने उसको, मैं रोज बोलती थी उसको बेटा होमवर्क करके लाओ, कॉपी लाओ, तो कहा वो कॉपी नहीं लाता था। कहा एक दिन मेरे से आपे से बाहर हो गई मैं, तो मैंने उसको कहा, वो रोज कहता था अच्छा ठीक है कल लाऊंगा कल लाऊंगा। कहा एक बार ऐसे मैंने कहा लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग के बाद अगले दिन कहा, जब उसने नहीं लाए तो आई स्लैप, मैंने उसको बहुत मारा। तो जब मारा तो उसके गाल बाल लाल बाल हो गए। तो कहते हैं कि जब हमारा लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद मैंने देखा वो अकेला सा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो कहा मुझे थोड़ा सा वो मदरली फीलिंग आया, मैंने कहा मैंने इसको थोड़ा मारा है, तो जाता हूँ। कहा सच बताओ तुम क्यों नहीं लाते। तो कहा उसने सर नीचे की तरफ रख के कहा, मैडम मैम मैम मेरे पापा ना वो थैला चलाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग करीब 20-25 दिन पहले टूट गई, अब हमारे घर में तो खाना भी नहीं आता, मैं पापा को नहीं बोल सकता कॉपी दो, क्योंकि हम कभी कभी एक दिन बाद खाना खाते हैं। तो शी फेल्ट लाइक क्राइंग, उसने कहा फिर मैंने कॉपी लाई बाकी चीज। सो वो बच्चा तो अब खैर वो तो अभी ये तो रिसेंट की बात है, अब ऐसी लाइफ उसने कहा कि नहीं, अब वो बच्चा फिर वापस डगर पे आ गया, मैंने उसका वो वापस आ गया, फिर वो पास पास हो गया उसमें सेक्स में अच्छी तरह से। सेम चीज़ें वी कैन मेक, अपने अपने तरीके से हम कर सकते हैं, हम सारे अपने दूसरों की लाइफ बदल सकते हैं और रियल खुशी महसूस कर सकते हैं, द ट्रू वैल्यू जो हाँ हैप्पीनेस आएगी और हमेशा रहेगी हमारे साथ इफ़ वी बिकम हैंडसम। हैंडसम डज नॉट मीन ओनली छक्के लौटे, हैंडसम इज टू गिव यूर हैंड टू सम। आप देख लीजिए कि आपके लिए बहुत खूबसूरत सी ये वीडियो है 2-2.5 मिनट की, आप देखिए एंजॉय। आई होप आपकी आप भी जिंदगी में दूसरों के लिए एक इम्पैक्ट ऐसा डालेंगे कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और यू विल फील दैट ऑफ हैप्पीनेस फॉर लाइफ। गॉड ब्लेस। จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด